हरि कथा ना हो, वो दिन याद है। तो एक वस्तु स्मरण हुई कि एक बार कलकत्ता में श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी ठाकुर हरिकथा कर रहे थे। तो उस दिन क्या हुआ कि बहुत अधिक वर्षा, बिजली गर्जन होने के कारण बहुत कम लोग उस कथा को श्रवण करने के लिए आए, और कथा के उपरांत भी निरंतर बारिश होती रही। तो जब वर्षा होती रही, कुछ लोग भक्त जाने के लिए तैयार हुए तो जाने में असुविधा हो रही थी। तो सबने बोला, सब प्रभुपाद जी बाहर आए, उन्होंने पूछा कि अगर आप यहीं पर हो, तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद आज तो इतनी पूरी वर्षा हो रही है, ऐसा लग रहा है आज बड़ा दुर्दैव है, आज बड़ा बहुत बुरा दिन है, दुर्दिन है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं कि दुर्दिन आज उनके लिए है जो इस हरि कथा में उपस्थित नहीं हो पाए, एवं जो व्यक्ति जिस दिन को बिना हरि कथा के यापन करता है वही दिन उसके लिए क्या है, दुर्दिन है। और गुरु महाराज जी की स्मरण करते हैं तो गुरु महाराज ने जब अंतिम कथा कही, ज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की जो अंतिम कथा थी, उस अंतिम कथा में जो उनका जो उपदेश था वो यही था कि कैसी भी परिस्थिति हो, हर किसी भी परिस्थिति में क्या करना, हरी कथा छोड़ करके जीवन यापन करना है, अर्थात कोई भी परिस्थिति हो निरंतर हरी कथा का सेवन करना, हरी कथा की निरंतर सेवा करना। तो आज का जो थोड़ा सा विषय है वो है शरणागति, और शरणागति के विषय में जब सुनते हैं तो सबसे पहले अर्जुन का स्मरण होता है कि जब युद्ध का प्रारंभ हुआ तो अर्जुन ने बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए भगवान को कि अगर मैं युद्ध करूँगा तो सामने मेरे भाई हैं, पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोण हैं, इतनी बड़ी सेना है, यदि मैं सबका वध कर दूंगा, युद्ध में इतने सारे लोग मारे जाएंगे, तो वर्ण संकर हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि जब सारी वस्तु होने लगी तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। लेकिन जब ये सब बोलते बोलते जब अर्जुन को चीज़ें नहीं समझ में आने लगी तो क्या हो गया, वो शिष्यस्य शाली माम त्वाम प्रपन्ना, अंत में क्या करता है, कृष्ण को शरणागत हो जाते हैं, बोलते हैं कि हे माधव, अब मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या हूँ, आपके शरणागत हूँ, अब आप जैसा मुझे आदेश देंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो कुछ समय पहले गुरुदेव की कथा श्रवण की तो गुरुदेव बताते थे कि गीता में एक श्लोक है जिसको बड़ा ही सर्वोत्तम श्लोक समझते हैं, जो श्लोक क्या कि सर्वधर्मानुपरित्यज मामेकं शरणं व्रजा मां त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता का उपदेश देते हुए ये श्लोक भगवान ने अर्जुन से कहा कि सर्वधर्मानुपरित्यज, ये अर्जुन क्या करो, सारे धर्मों का परित्याग करके मामेकं शरणं व्रजा, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, हम तुम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और तुम्हें क्या करूँगा, अपनी शरण प्रदान करूँगा। तो गुरु महाराज इस श्लोक को बोलते हुए कह रहे हैं कि ये जो श्लोक है, कई लोग इसको क्या समझते हैं, गीता का सर्वोत्तम श्लोक समझते हैं, लेकिन किन लोगों को धर्मों का त्याग करने के लिए बोला गया है, वर्णाश्रम धर्म का त्याग करने के लिए बोला, लेकिन किन लोगों को बोला गया है, तो गुरु जी गुरु महाराज बता रहे हैं कि तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहला अज्ञ है, जो वर्णाश्रम धर्म के विषय में जानता ही नहीं है, वो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का परित्याग क्या करेगा। तो गुरु महाराज उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे कोई भिखारी है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, तो क्या उसको कहा जा सकता है कि भाई इसके पास तो देखो कपड़े भी नहीं है, कपड़ों का भी इसने त्याग कर रखा है, ये बोलना मूर्खता होगी, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। तो गुरु महाराज बोल रहे हैं कि पाश्चात्य देश के लोग हैं, इनको वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान ही नहीं है, अगर इनको बोला जाए कि भाई इन्होंने तो वर्णाश्रम धर्म का त्याग कर दिया है, क्योंकि वो उन विधियों का पालन नहीं करते, तो क्या वास्तविक रूप में उन्होंने त्याग किया है, नहीं, वो अज्ञ है, उन्हें इस विषय में पता ही नहीं है। तो दूसरी श्रेणी होती है जिसको कहते हैं नास्तिक, वर्णाश्रम धर्म को मानते ही नहीं है, जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म को मान ही नहीं रहा तो उसको भी नहीं कहा जा सकता कि उसने वर्णाश्रम धर्म का क्या किया है, त्याग किया है, क्योंकि उसने उस वस्तु को कभी स्वीकार ही नहीं किया, जाना ही नहीं तो क्या क्या करेगा। और जो तीसरी श्रेणी आती है, तीसरी श्रेणी होती है निर्वेद, जो जानकर समझकर त्याग करता है, ये श्लोक उसके लिए कहा गया है, अर्जुन को इसलिए संबोधित करके गया क्योंकि अर्जुन को वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उसको सारे धर्मों का त्याग करने के लिए कहा गया।
गुरुदेव कह रहे थे यहाँ तो जब ये श्लोक बोला गया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, अर्थात कि केवल नेगेटिव त्यागने के लिए बात की गई है। और दर्शन धर्म का त्याग करने के लिए तो बात की गई है, इसमें भक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं गया। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो शरणागति है, जब ये श्लोक राय रामानंद प्रभु ने महाप्रभु को बोला तो महाप्रभु ने भी क्या करा, इसको एवं बाह्य कह के नेग्लेक्ट कर दिया। आगे कहते हैं कि एवं बाह्य आगे कहो आज, अर्थात गुरुदेव कह रहे हैं कि इस श्लोक को धारण करना अर्थात माइनस से जीरो में आना, क्योंकि इसमें प्लस तो कुछ हुआ नहीं, सेवा के लिए तो कुछ कहा ही नहीं, भक्ति के लिए तो कुछ कहा ही नहीं। तो ये श्लोक क्या है, सर्वश्रेष्ठ होने पर भी कहीं ना कहीं इसका स्तर है, लेकिन ये पूर्ण रूप से शरणागति के विषय में नहीं है। गुरु महाराज आगे कथा कहते हुए कह रहे हैं कि तो फिर वास्तविक रूप में शरणागति किसको कहते हैं, शरणागति किसको डिसाइड करेंगे कि ये शरणागति है। तो गुरु महाराज ने श्लोक बोला कि अनुकूल्य संकल्पम प्रातिकूल्य विवर्धनम रक्षति इति विश्वासो भोक्तृद्वय वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कारण्यम षडविधा शरणागति। इसमें छह प्रकार के शरणागतियों के विषय में बताया गया है। इसी का वर्णन करते हुए गुरु महाराज कह रहे हैं कि छह प्रकार की कौन कौन सी हैं। पहला कि कृष्ण भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करना, अनुकूल्य संकल्पम प्रतिकूल्य विवर्जनम, अर्थात जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल वस्तुएं हैं उनका परित्याग करना। तीसरा कि भगवान रक्षक हैं, इस बात पर सुदृढ़ पूरा विश्वास होना कि हमारे रक्षक कौन हैं, भगवान ही हैं। चौथा वो ही पालन करता है, ये भरोसा रखना। पांचवा आत्मसमर्पण और छठा दैन्य। तो ये छह प्रकार की शरणागति के विषय में बताया गया है। तो इनका विस्तार करते हुए आगे बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करना जो पहली शरणागति के लक्षण है, उसमें बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति के अनुकूल, भक्ति अर्थात सेवा, नवविधा भक्ति जो सुनी जाती है, उनके अनुकूल जो वस्तु हैं, तो उसने श्रद्धा भक्ति चार्ट में भी बताया था कि साक्षात भक्ति वर्तनी और तद अनुकूल वस्तु वर्तनी निष्ठा किस प्रकार से होती है, काय की, मन, मानसिकी और वाचिकी। तो कृष्ण भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करना, तो क्या क्या है विषय हैं ऐसे जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल हैं, साधु संघ। तो उसने बोला कि इसमें जो सबसे बड़ा जो मूल विषय है जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है वो है साधु संघ, और साधु संघ की जब विषय आता है तो शरणागति, साधु संघ के पश्चात शरणागति। तो जो मूल विषय है कि किस प्रकार से कृष्ण भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना है, उसमें सर्वप्रथम आता है साधु संघ, उसके बाद भक्ति के अनुभव का पालन करना शरणागत होकर के। फिर जो फिर इसी में आगे बोलते हैं कि अन्य वांछा, अन्य पूजा, छाड़ी ज्ञान कर्म, अनुकूल कृष्ण इंद्रिया, अनुकूल सर्व इंद्रिय कृष्ण अनुशीलनम, अर्थात किस प्रकार की शरणागति, अन्य वांछा, अन्य जितने कृष्ण इतर जितनी भी हमारी वांछाएं हैं उन सब का क्या करना, त्याग करना। जो कृष्ण के इतर जितनी भी वांछाएं वो क्या है कि आत्म इंद्र प्रीति वांछा तारे बोले काम, वो शरणागति के लक्षण नहीं है, वो भक्ति का लक्षण नहीं है। तो अन्य वांछा कृष्ण इतर जितनी भी वांछाएं हैं उन सबका त्याग करना, अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म, अन्य देवी देवता की पूजा का त्याग करके भी, और जो कर्म और ज्ञान का मार्ग है उसका भी क्या करना पड़ेगा, उसका भी त्याग करना पड़ेगा। अनुकूलेन सर्व इंद्रिया, अब आपकी जो समस्त इंद्रियां हैं उससे क्या करना होगा, अनुकूल भाव से क्या करना होगा, कृष्णा अनुशीलनम। तो ये क्या है, ये कृष्ण भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करना कहलाता है। तो जो शरणागति का दूसरा लक्षण है वो है प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग करना, तो कृष्ण भक्ति के जो प्रतिकूल वस्तुएं हैं उनका त्याग करना। तो इसमें सबसे पहले श्लोक आ जाता है कि अत्याहार से प्रजल को, अत्याहार प्रयासचा प्रजल को नियमाग्रह धन संघर्ष लोलमचा षडग्रति मचती। तो इन छह प्रकार की वस्तु को यदि कोई ग्रहण करता है तो क्या होता है, उसकी भक्ति का विनाश हो जाता है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बड़ी सरल भाषा में बता रहे हैं कि असत की प्रतिकूल वस्तु का त्याग करना, अर्थात असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार,
त्रिसंगे का साधु कृष्ण अभक्त आर। किन वस्तुओं का त्याग करना है? असत्संग त्याग। जो असत्संग है उसका सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। असत्संग त्याग के वैष्णव आचार्य, यही वैष्णव का आचरण है क्या कि वो कभी भी असत्संग का संग नहीं करते। स्त्री संगी एक असाधु, दो प्रकार के असाधु होते हैं, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। और इसमें भी परमात्मा बोलते हैं कि स्त्री संगी तो ठीक है, एक बार के लिए उसका त्याग हो सकता है, लेकिन स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर, जो कृष्ण अभक्त है ये क्या है, ये सबसे बड़ा क्या है उसके लिए प्रतिकूल भाव है कि वो क्या है, कृष्ण का अभक्त है। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़ी आशीर्वाद सहित वैष्णव। ये क्या है, ये कनक कामिनी और प्रतिष्ठा, ये तीनों बड़ी ही प्रबल वस्तु हैं जिनका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो विषय है वो यही है कि प्रतिकूल वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। तो कनक कामिनी प्रतिष्ठा ये तीन प्रधान वस्तु हैं जिनका पूर्ण रूप से त्याग करना पड़ेगा। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं कुछ ऐसा ही। तो आगे जो तीसरा क्रम है वो है कि भगवान ही रक्षक है। पहला था कृष्ण के अनुकूल वस्तु का ग्रहण करना, दूसरा कृष्ण के प्रतिकूल वस्तु का त्याग करना, तीसरा है कि भगवान ही क्या है, भगवान ही रक्षक है ये विश्वास करना। तो भगवान ही रक्षक है ये विश्वास करना, इसके बहुत सारे उदाहरण सुने जाते हैं। जैसे कुछ समय पहले नरसिंह चतुर्दशी थी, तो सबसे प्रधान जो उदाहरण समझ में आता है वो है प्रहलाद महाराज का, वो किस प्रकार से शरणागत थे भगवान के, कि भगवान को पुनः पुनः उनकी रक्षा के लिए आना पड़ता था। द्रौपदी के विषय में सुना जाता है कि जब द्रौपदी की सभा में उनका साइडी का जब हरण किया गया तो उन्होंने विष्णु पितामह की ओर भी देखा, गुरु द्रोण की ओर भी देखा, उनके जो पति थे बलवान पांच पांडव थे उनकी ओर भी देखा, लेकिन किसी ने भी उनकी क्या करी, सहायता नहीं करी। फिर अंत में हार के उन्होंने किसको स्मरण करके अपने हाथ उठा दिए, गोविंद को, कि हे गोविंद अब तो जीवन हारी ऐसे कर दिए। तो ये क्या है, ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि भगवान ही रक्षक है, इस पर पूरा विश्वास होना। आगे परीक्षित महाराज जी का सुना जाता है कि जैसे जब बाण चला दिया था तो उत्तरा जी ने प्रार्थना करी तो भगवान ने उनके गर्भ में आकर रक्षा करी। गजेंद्र हाथी के विषय में भी सुना जाता है कि उन्होंने जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने आकर उनकी रक्षा करी। और भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं कि आप कौन हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा त्योहार, नित्य दास प्रति तुय अधिकार। कि मारो भी राखो भी, कि आप कौन हैं, आप ही चाहे हमें मारें चाहे हमारी रक्षा करें, हम कौन हैं, आपके शरणागत हैं। तो राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के, तो ये पूर्ण रूप से विश्वास होना कि कृष्ण कौन है, कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, इस बात पर पूर्ण रूप से विश्वास होना। चौथा है कि वे ही पालन करता है, इस बात पर भी विश्वास रखना, रक्षक के साथ साथ कि वो ही हमारे क्या है, पालन करता है। तो इस विषय में गीता में एक कथा आती है कि अनन्यस्य चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्यं भुक्तानां योगक्षेम भाव्यम्। भगवान खुद कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है उसका भरण पोषण रक्षण का भार स्वयं मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। जैसे इसमें कथा भी आती है, कैसे एक ब्राह्मण होता है जो कुछ लिखता है फिर वो तीन लाइन से उसको काट देता है। भगवान खुद एक बालक का रूप धारण करके आते हैं, जब तो उसकी स्त्री पूछती है कि भाई तुम्हारी चोट कैसे लगी, तो बताता है कि आपके पति ने तो मारा था। जब वो सारी वस्तु रख के चला जाता है तो वापस उसका पति आता है, बोलता है खाने के लिए तो कुछ था नहीं, इतनी सारी वस्तु कहाँ से गई, कि एक बालक दे गया था, लेकिन वो कह रहा था कि आपने उसको तीन रेखाओं से क्या करा है, उसको तीन स्थानों से काट दिया था। बोले मैंने तो ऐसे नहीं किया। तो उन्होंने जब वापस अपने उस पुस्तक को देखा जिसमें वो लिख लिपिबद्ध कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने तीन लाइनों से काटा हुआ था। तो उनको स्मरण हुआ कि भगवान खुद थे, और ये बात क्या है, ये बात सत्य है कि भगवान खुद अपने भक्तों का क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं। तो इसमें भी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि तुम ही तो रक्षक आर पालक राम आर, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आ।
तुम्ही कौन हो, तुम्ही हमारे रक्षक हो और पालक हो, और तुम्हारे चरण बिना आशा नहीं है। तुम्हारे चरणों के बिना क्या है, हमारा और कोई उम्मीद नहीं है, और कोई आशा नहीं है। तो ये चौथा शरणागति का लक्षण हो गया। पांचवा है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन में भक्ति ठाकुर जी भी इसमें भी कहते हैं कि आत्मनिवेदन सूर्यापदे करें परम सुखी दुख दूर है, लोग चिंता न रही, लोग चौधरी के आनंद देखी। कि जब से मैंने आपके आत्मनिवेदन किया है, आत्मनिवेदन तुयापदे करी, जब से मैंने आपके चरणों में आत्मनिवेदन किया है, हैनु परम सुखी, मैं क्या हो गया हूँ, मैंने परम सुख को प्राप्त किया गया है, परम सुख को प्राप्त किया है। मेरे जितने दुख थे वो सब क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं, और चारों तरफ मुझे आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। तो आत्मनिवेदन किसने किया, आत्मनिवेदन बलि महाराज जी के विषय में भी सुना जाता है। उदाहरण के बलि महाराज ने भी आत्मनिवेदन किया, और किसने किया, विभीषण ने भी आत्मनिवेदन किया था राम जी के चरणों में आकर के। तो जिस समय विभीषण ने राम जी के चरणों में आके आत्मसमर्पण किया, तो जो बाकी जो सेना थी सब बोलने लगे कि हो सकते हैं ये रावण का कोई चाल हो, रावण की कोई चाल हो, उसने यहाँ पर उनको भेजा है ये जानने के लिए कि हमारी आगे क्या प्लानिंग है, हम कैसे हमला करने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये दारागार पुत्र थाप्तनाम प्राणान वित्तमेव भरम हित्वा माम शरणम याता कथम तत्सूक्तम भक्तम। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, क्या तुमको नहीं पता कि मैंने ये शपथ ली हुई है कि कोई भी आकर के मेरे प्रति मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तो क्या करता हूँ, मैं उसका त्याग नहीं करता। अब ये हमारे पास आए हैं तो क्या करूँगा, मैं इनको अपना आश्रय दूंगा ही दूंगा। और छठा है दैन्य, अर्थात सरल भाव से भगवान के पास जाना, सरल भाव से क्या करना, भगवान के प्रति प्रार्थना करना। जो व्यक्ति, गुरु महाराज बताते हैं कि जो व्यक्ति सरल भाव से, भले उसके पास किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, यदि सरल भाव से कृष्ण के पास जाके प्रार्थना करता है, कैसे कि कृष्ण तुम्हारा हूँ यदि बोले एक बार, जैसे चैतन्य भागवत में कहते हैं कि कृष्ण तुम्हारा हूँ यदि बोले एक बार। यदि कोई एक व्यक्ति एक बार भी अपने हाथों को उठाकर कह देता है कि कृष्ण तुम्हार, कि कृष्ण मैं क्या हूँ, मैं आपका हूँ और आपके प्रति ही शरणागत हूँ, कृष्ण तुम्हारा हूँ यदि बोले एक बार, मायाबद्ध है ते कृष्ण तारे करिंड पार। कृष्ण क्या करते हैं, स्वयं उस मायावद जीव को क्या कर देते हैं, पार कर देते हैं। और आगे कह देते हैं क्या, कि अन्य कामी यदि करे कृष्ण रे भजन, यदि वो किसी और कामना से भी आता है, सरल व्यक्ति है, भगवान को भी पाना चाहता है लेकिन बिना कपट के किसी और कामना से भी आता है, तो आगे कहते हैं कि अन्य कामी यदि करे कृष्ण रे भजन, ना मांगी ले कृष्ण तारे देन स्वचरण। उनकी अलग अलग वस्तुओं को मांगने पर भी कृष्ण क्या करते हैं, उसको केवल अपने चरणों का ही अस्त्र प्रदान करते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, कि कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मेरे को भज रहा है लेकिन इच्छा किस चीज़ों की कर रहा है, विषय सुखों की कर रहा है। कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत साड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। ये जो कौन है, ये बड़ा मूर्ख है, इसको अपने कल्याण के विषय में जानकारी नहीं है, मेरे को भज रहा है लेकिन विषय सुखों की कामना कर रहा है। कि कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़े मूर्ख। आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के नहीं दिबो, ये तो मूर्ख है लेकिन मैं तो समझदार हूँ, मेरे प्रति शरणागत हुआ है तो मैं कैसे इसको वापस विषयों में लिप्त कर सकता हूँ। आमा भजे अमृत छाड़ी विष मांगे आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के नहीं दिबो, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबो। मैं क्या करूँगा, इसको अपने चरणों का आश्रय प्रदान करूँगा और जिन विषयों की कामनाओं से मेरे पास आया है उन कामनाओं को क्या करूँगा, इससे दूर करूँगा। उदाहरण के रूप में हम ध्रुव महाराज के विषय में सुनते हैं, वो घर से निकले तो थे पाने के लिए लेकिन कहीं ना कहीं उनके राजपाट की इच्छा से निकले थे, लेकिन जब भगवान के उनको दर्शन हुए तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तो कांच की इच्छा से आया था लेकिन मेरे को मणि की प्राप्ति हो गई। तो भगवान ने क्या करा, उनको फिर भी थोड़ा क्या करा, उनको थोड़ा भोग भोगना पड़ा, उसके बाद उनको भगवत प्राप्ति हुई। तो जो भी सरल भाव से भगवान की ओर शरणागत होता है, जाता होता है, भगवान क्या करते हैं, उनके जो अन्य वांछाएं अन्य इच्छाओं को त्याग करके उसको अपने चरणों की प्राप्ति कराते हैं। वांछा कल्पत रूपस्य कृपा सिंधु वच पति धर्म पावन के वैष्णव। Well,
हर्ष प्रभु तो आता नहीं, ऐसे इस चक्कर में तो आता नहीं बेचारा, उसको पीछे बढ़ दिखूंगा। इनके बाद बोल लेना आप। अज्ञान तिमिरान्धस्य अज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सबसे पहले अपने पूर्वपाद पद नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज एवं दीक्षा गुरुपाद पद नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मैं पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, उपस्थित वैष्णव और वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। कल हम श्री गोवर्धन महिमा के विषय में श्रवण करना शुरू किया कल से। तो कल की कथा में बताया था कि जो गिरिराज गोवर्धन है, संक्षेप में पहले कल की कथा दो मिनट में, कि गिरिराज गोवर्धन कहाँ से प्रकट हुए, ये नित्य गोलोक धाम का ही जो एक अंश जहाँ पे आ गया, प्रकट हो गया। और नित्य गोलोक धाम में बताया गया था गर्ग संहिता में वर्णन है कि ये विरजा नदी के तट पर नित्य गोलोक धाम में गिरिराज गोवर्धन पर्वत हैं और बहुत ही सुंदर झरने और बड़ा ही सुंदर स्वरूप है गिरिराज जी का। वही सेम स्वरूप, वही सुंदर स्वरूप यहीं पे प्रकट हुआ, लेकिन वो हमें इस बार इस तरह से क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जैसे जैसे कालक्रम से भगवान कृष्ण के अवतार को जैसे 5,500 वर्ष हो चुके हैं, द्वापर के अंत में भगवान प्रकट हुए, तो उस समय से कुछ कुछ जो झरने हैं गिरिराज जी के, यमुना जी का एक लहर गिरिराज जी में बहती थी वो भी लुप्त हो चुकी है। यमुना जी की तीन धाराएँ ब्रज में हैं, एक थी गिरिराज गोवर्धन में, एक बरसाना में, एक वृंदावन में, जिसमें से दो धाराएं लुप्त हो चुकी हैं गिरिराज गोवर्धन की और बरसाना की, एक ही धारा अभी बाकी है ट्रिब्यूटरी पूरे यमुना जी की। तो गिरिराज में यमुना जी नदी बहती थी, इसका प्रमाण क्या है? गिरिराज में आज भी जब हम मथुरा से गिरिराज जी जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, तो रास्ते में जब गिरिराज पहुंचने वाले होते हैं उससे 2 किलोमीटर पहले ये गाँव आता है यमुनावतो गाँव, वो गांव का नाम ही यमुना जी के नाम से रखा है, वहीं से यमुना जी की धारा निकलती थी, निकलते हुए जाती थी आगे। उस गांव में श्री कुम्भनदास जी महाराज जो कि पुष्टि मारक एक संत हुए हैं वो विराजते थे, उनकी कथा हम बाद में आगे जैसे आता जाएगा प्रसंग श्रवण करेंगे। तो कल हमने एक तो ये सुना था कि जब भगवान के आने का समय हुआ तो राधा जी ने बोला जहां यत्र वृंदावन नास्ति यत्र ना यमुनो नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र ना मे मनः सुख, जहाँ पे यमुना नदी नहीं है, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ पे गिरिराज गोवर्धन नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने क्या कहा कि हे श्री जी, आपके आने से पहले ही वहाँ पे ये सब ब्रज जो नित्य जो गोलोक धाम है वो वहाँ प्रकट हो चुका है। तो एक कथा तो हमने ये सुनी थी, दूसरी फिर गिरिराज जी के यहाँ आने का कारण बना जो वो आदिवरा पुराण पुराण के अनुसार बताया था कि कैसे जब हनुमान जी पर्वतों को लेके आ रहे थे सेतु बंद के समय, तो आकाशवाणी होगी कि जो है पुल का कार्य जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है, अब जो जो व्यक्ति जहां जहां पर्वत ला रहा है वो वहीं वहीं स्थापित कर दो। तो हनुमान जी गिरिराज जी को ला रहे थे गोवर्धन को, तो इन्होंने इनको ब्रज में स्थापित कर दिया, इस तरह से गिरिराज जी ब्रज में आए। दूसरी कथा बताई थी ऋषि द्रोणाचल के पुत्र थे गोवर्धन, पुलत्स्य ऋषि उनको लेके गए थे, किस तरह से उन्होंने फिर उनको गोवर्धन को यहाँ पे स्थापित कर दिया था। तो ये तीन कथाएं हमने कल श्रवण की थी। अब आता है गिरिराज जी की महिमा क्या है। एक छोटी सी कथा और आती है गर्ग संहिता में कि एक विजय विप्र नाम के ब्राह्मण थे, बहुत ही सदाचारी, गोदावरी नदी के तट पर रहते थे। यह कथा नारद ऋषि सुना रहे हैं भोलाश्व राजा भोलाश्व को। तो कहते वो कर वसूल करने के लिए एक बार मथुरा आए, मथुरा से कर वसूल करके जब वापिस जाने लगे तो उन्होंने गिरिराज गोवर्धन का जो रास्ता था उसको पकड़ लिया, उस रास्ते से होते हुए वो वापस जाने लगे। तो गोवर्धन जी की इतना सुंदर स्वरूप देख के उनका जो मन था वो लुभा गया और उन्होंने चलते चलते गिरिराज जी की एक शिला जो है वो हाथ में ले ली, जैसे कोई हम उठा लेते हैं ऐसे पत्थर, और उनको तो पता नहीं इनकी महिमा क्या है, वो उनको उठा के ऐसे लेके जा रहे हैं। इतने में वो ब्रज से जो है बाहर निकल गए,
जैसे वो ब्रज से बाहर निकले तो उनके सामने एक विकराल राक्षस प्रकट हो गया। थोड़ा रात्रि का समय हो गया था उनको जाते जाते, उसको एकदम से आगे सामने देख के अपने वो डर गए, विजय विप्र जो था वो डर गया। तो जैसे हम कई बार डर जाते हैं तो हाथ में जो होता है ना वही मार देते हैं। उस दिन तुलसी प्रभु बता रहे थे कि एक बार मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए तो मेरे हाथ में डिब्बा था, तो मैंने डिब्बा ही मारा और मैं डिब्बा छोड़ के भाग गया वहां से। तो ऐसे होता है, हाथ में जो वस्तु आई वही मार दी, तो ऐसा स्वाभाविक है बहुत। तो उन्होंने क्या किया, विजय विप्र ने वही गिरिराज जी की जो शिला थी वही उसको दे मारी। जैसी वो शिला का स्पर्श उस प्रेत से हुआ, राक्षस से हुआ, तो उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसको देख के विजय विप्र जो है वो अचंभित हो गए। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे जो सुंदर स्वरूप वाले, उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा और आपका ऐसा स्वरूप कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि यह सब गिरिराज गोवर्धन की ही महिमा है, कि ये जो गिरिराज पर्वत है, उन्होंने यहाँ पे वहां पे श्लोक आता है कि गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धनो गिरी तस्य दर्शन मात्रे नरो याति कृतार्थम। क्या बता रहे हैं कि ये गिरिराज जी हैं, ये किसका स्वरूप है? भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, और इनके दर्शन मात्र से ही जो व्यक्ति क्या है, कृतार्थ हो जाता है। इनके स्पर्श से ही मेरा जो है उद्धार हो गया, इस तरह से वो बताते हैं। फिर वहां आगे वो गिरिराज जी की महिमा के बारे में बताते हुए बोलते हैं, वही जो व्यक्ति क्या है, राक्षस जो क्या बन गया, अब सुंदर स्वरूप धारण कर लिया जिन्होंने। कहते ऋषि मुकस्य सहस्य तथा देवगिरे पुनः यात्रायाम लभते पुण्यम समस्ताया भुवे फलम गिरिराजस्य यात्रायाम तस्मात कोटि गुणम फलम गिरिराज समम तीर्थम भूतम न भविष्यति। क्या बता रहे हैं कि ऋषिमुख पर्वत की बहुत महिमा है उसकी परिक्रमा की, और सहस्यगिरी पर्वत है उसकी बड़ी, और देवगिरी जितने भी पर्वत हैं, और पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का जितना फल होता है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का जितना फल होता है गिरिराजस्य यात्रायाम तस्मात कोटि गुणम भवेत, कि गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करने का जो है फल है, उस उन सब की परिक्रमा करने से, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने से कोटि गुणा अधिक है। और आगे क्या बोल रहे हैं, गिरिराज समम तीर्थम भूतम न भविष्यति। अरे भैया, गिरिराज जी के सम तीर्थ कोई आना हुआ है, भूतम न भविष्यति, ना आगे कोई होगा। तो विजय विप्र उनको पूछते हैं कि भैया आप कौन थे? तो फिर वो अपने पूर्वजन्म की कथाएं बताते हैं कि मैं किसी समय में एक राजा का पुत्र था, और मैं क्या हो गया था, गलत संगति में पड़ने से जुआ खेलने लग गया, मदिरा पीने लग गया, मांस भक्षण करता था, और मैंने वेश्याओं का संग करना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा कि मैंने क्या किया, अपने माता पिता को जहर दे के मार दिया, और जिन वेश्याओं का संग करता था उनको भी मैंने फांसी दे दी, और उसके बाद क्या किया, कितने ही लोगों की हत्याएं कर दी। फिर कहते एक दिन मैं जंगल में शिकार खेलने चला गया, और वहां मुझे काले सर्प ने डस लिया और मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद वो बताता है कि एक मन्वंतर तक मैं कुंभी पाक नरक में मुझे भेजा गया, उसके बाद एक कल्प तक तप्त सूरमी नरक में मैंने यातनाएं भोगी, उसके बाद 84 लाख योनियों में मैंने भ्रमण किया, और एक एक योनि में एक एक साल तक रहा। वो जो राक्षस है ये अपनी कथा बता रहा है। उसके बाद कहता मेरा भारत में शूकर योनि में जन्म हुआ, फिर मैं 100 बार एक ही 100 बार क्या बना, बार बार व्याघ्र बना, 100 जन्म भैंसा बना, 100 जन्म तक सर्प बना, और उसके बाद 10,000 साल तक मैंने एक महाखल विकराल राक्षस बना रहा, ये जो अभी लास्ट उसका जन्म था। कहता जब मैं ब्रज में घुसने की एक दिन मैंने चेष्टा की तो भगवान के पार्षदों ने मुझे वहां से बाहर निकाल दिया। इस तरह से फिर क्या हुआ, आज ये गिरिराज जी के स्पर्श से आपने जो मेरे पर ये शिला मारी, इसी के स्पर्श से मेरे सारे जितने आज तक के पाप थे उन सबका क्या हो गया, शमन हो गया, और आज मुझे क्या है, मैं दिव्य देह की प्राप्ति करके भगवान के धाम को जा रहा हूं। इस तरह से बोल गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज गोवर्धन की। इस तरह से इतनी गिरिराज जी की महिमा है। गिरिराज जी के लिए बोला गया है कि गिरिराज जी कौन है, जैसे गंडकी नदी जो है नेपाल में बहती है, गंडकी नदी, उसमें जो भी शिला मिलेगी उसकी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है। शालिग्राम जो है वो भगवान का स्वरूप है। इसकी कथा आती है कि एक बार एक राक्षस था, उसने भगवान की भक्ति की, तो भगवान ने उसको बोला कि तुम वर मांगो। तो उसने कहा प्रभु आपने हमारे कुल को बहुत खाया है, मैं भी आपको खाना चाहता हूं, मतलब आपने हमारे कुल को खाया, मतलब भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, तो मैं आपको खाना चाहता हूं। तो प्रभु कहते ठीक है, मैं एक पर्वत के रूप में बनूंगा और तुम एक कीड़ा बनोगे, और तुम
मुझे खाओगे। तो वो कीड़ा गंडकी नदी में है, वो राक्षस जो है वो क्या करता है, उन पत्थरों में, गंडकी नदी में जो पत्थर है उनमें ऐसे ऐसे छेद कर देते हैं कि जिससे अलग अलग प्रकार के शालिग्राम बन जाते हैं। कोई नरसिंह शालिग्राम, कोई वराह शालिग्राम, कोई कूर्म शालिग्राम, अलग अलग प्रकार के शालिग्राम, वो ऐसे आंख निकले आती है मुंह, इस तरह से खाता है उस पत्थर को वो। कैसी कैसी जगह है भारत भूमि में देखो। और एक स्त्री थी, एक अप्सरा थी, उसने भी स्वर्ग में भगवान की भक्ति करी। तो भगवान ने उसको कहा वर मांगो, तो उसने कहा प्रभु मैं आपको गोद में खिलाना चाहती हूँ। तो वही गंडकी नदी बनी, प्रभु ने उसकी इच्छा पूरी करी। तो वही अप्सरा बनी गंडकी नदी और वो राक्षस बना कीड़ा और वो खाता है। अब गंडकी नदी में जहां पे शालिग्राम होते हैं वहां पे पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि उसके मूल में शालिग्राम पाए जाते हैं। लेकिन हमारे भारत के संत फिर भी वहां जाते हैं और वहां जाके गंडकी नदी से शालिग्राम लेते हैं। और उसको आप सुन के आश्चर्य होगा कि क्या होता है, तुलसी दल पानी में ऐसे छोड़ देते हैं, शालिग्राम शिला अपने आप ऊपर आ जाती है। वहां यह दृश्य सब लोग अचंभित हो जाते हैं देख के कि पत्थर जो इतना भारी है, जो नीचे पानी के रहता है हमेशा, जैसी तुलसी दल छोड़ते हैं पानी में अपने आप शालिग्राम उठ के ऊपर आ जाता है वहां पे। इस तरह से गंडकी नदी से शालिग्राम पाए। शालिग्राम की कथा क्यों बता रहे हैं, शालिग्राम शिला स्वयं सिद्ध है, इनकी कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। इसी प्रकार गिरिराज पर्वत है, गिरिराज पर्वत का छोटा सा छोटा टुकड़ा, छोटा सा छोटा स्वरूप भी कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है, उसकी भगवान के स्वरूप में ही पूजा की जाती है और वो स्वयं सिद्ध है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। तो इतनी गिरिराज जी की महिमा है। और कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से हम गिरिराज जी को लेके नहीं आ सकते गिरिराज पर्वत से, इससे अनर्थ हो जाता है। अगर कोई संत भी वृंदावन में गिरिराज जी को लेके आए हैं तो वो भगवान की आज्ञा से, ऐसे किसी भी गिरिराज शिला को वहां से उठाना नहीं चाहिए, यह एक नियम है। एक बार हमारी आंखों देखी बात है, ये ब्रज के संत हैं, उन्होंने वो फ्री परिक्रमा चलाते हैं मान मंदिर में, रमेश बाबा जी, उन्होंने परिक्रमा चलाई, 15,000 यात्री परिक्रमा कर रहे थे। उसमें से किसी यात्री ने गिरिराज जी की शिला उठा के जब गिरिराज जी में गए तो वो अपने झोले में डाल ली कि हम इसको बंगाल ले जाएंगे, वो किसी को तो पता नहीं। उसके बाद ऐसी बारिश शुरू हुई अंधाधुंध, मतलब इतना बारिश, अक्टूबर के महीने में परिक्रमा चल रही थी, नवंबर, जो अक्टूबर नवंबर कार्तिक मास होता है उसमें कभी भी बारिश नहीं होती, ऐसी बारिश हुई कि पूरी परिक्रमा को स्थगित करना पड़ गया था। मतलब आज तक ऐसे नहीं हुआ था कभी इतिहास में, इतनी बारिश। फिर बाद में जब पता चला बाबा ने कहा कोई अपराध हुआ है, तब उन्होंने फिर किसी ने बताया कि इस व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति ने जो है गिरिराज जी की शिला को उठा लिया। फिर उसको बोला गया तो उसने इस बात को स्वीकार किया, फिर वो गिरिराज शिला को निकाला गया और वहीं जहां से उसने उठाया था वहां पे उसको विधि पूर्वक छोड़ के आया गया। तो इस तरह से गिरिराज शिला को कभी भी अपनी इच्छा से कहीं भी लेके नहीं जाया जाता। अगर कहीं भी गिरिराज शिला स्थापित है वो भगवान स्वपन देते हैं, कई संत की इच्छा हो तो फिर वो अपनी इच्छा से ही जाते हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। वांछा कल्प तरुभेश कृपा सिंधु भेव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठाकुर जी तो ब्रज से बाहर, ब्रज से बाहर ठाकुर जी तो नहीं रहते, उसका जो तो बेटा है ना वहाँ जाके बम्बे जाके जो मनुष्य बेटा ही बेटा ही अपराध उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम पूज्यपाद श्री परमेश्वरी प्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ और उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरण कमलों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रील महाराज जी से विस्तृत रूप में श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं और उसी प्रसंग में कल हमने तीसरे स्कंद की कथा श्रवण की, जिसमें
श्री विदुर जी महाराज का मिलन होता है उद्धव जी से और मैत्रेय ऋषि से। तो हम लोग उस प्रसंग में कल बहुत ही महत्वपूर्ण 3 श्लोक जो हैं हमने महाराज जी के मुख से उनकी व्याख्या सुनी थी, तो मैं उन्हीं 3 श्लोकों के बारे में बोलूँगा। सबसे पहला श्लोक, जब विदुर जी उद्धव जी से आकर के यमुना तट पर मिले और उन्होंने भगवान की लीला के संबंधी प्रश्न किए, तो उद्धव जी जो हैं भगवान के बड़े ही प्रिय सखा हैं और ऐसे प्रश्न को सुन करके उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया, क्योंकि भगवान का उनको भगवान की सारी लीलाओं का स्मरण हो आया और वो ब्रज में थे तो उनको सारी ब्रज की लीलाओं का स्मरण हो आया। और उन्होंने फिर सारी ब्रज की लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया, कैसे भगवान मैया यशोदा के घर में मक्खन चोरी करते थे, गोपियों के घर में मक्खन चोरी करते थे, गिरिराज गोवर्धन की लीला और वृंदावन की रास लीला इत्यादि, मतलब सारी की सारी लीलाओं का वर्णन श्री उद्धव जी महाराज ने किया। और वहाँ पर फिर उद्धव जी ने एक बड़ा ही सुंदर श्लोक बोला, यन मर्त्य लीलोपेकम स्वयोग माया बलम दर्शता गृहितम विस्मापनम स्वस्थ च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। क्या कह रहे हैं कि यन मर्त्य लीलोपेकम, कि भगवान क्या करते हैं कि भगवान ने एक ऐसा बड़ा ही सुंदर विग्रह अपना प्रकट किया। वह विग्रह क्या था? मर्त्य लीला के उपयुक्त विग्रह था, अर्थात जो नरलीला भगवान करने के लिए आए थे उस नरलीला के लिए वह सर्वश्रेष्ठ विग्रह भगवान ने धारण किया था। तो नरलीला के लिए भगवान का सर्वश्रेष्ठ विग्रह कौन सा है? जो ब्रज में भगवान का द्विभुज रूप है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर स्वरूप, उसी स्वरूप को ही भगवान ने इस जगत में सबके सामने प्रकट किया और ये सारी लीलाएँ की। तो उस श्लोक में बताते हैं कि वह स्वरूप क्या था। भगवान जब भी अपना स्वरूप धारण करते हैं, प्रकट करते हैं, तो कैसे करते हैं? स्वयोग माया बलम, कि अपनी योग माया को आश्रित होकर के उसकी बल से ही भगवान जो है अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, कि मैं अपनी योग माया, भगवान की 2 शक्तियाँ महामाया और योग माया, तो भगवान योग माया के माध्यम से ही अपने उस दिव्य स्वरूप को इस जगत में प्रकाशित करते हैं। और इसमें क्या कह रहे हैं, विस्मापनम स्वस्थ च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम, कि वह जो स्वरूप था भगवान का वो कैसा स्वरूप था कि उस इतने सुंदर स्वरूप को देख करके भगवान स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। और हमने महाराज जी से सुना कि कैसे भगवान विस्मित हो जाते थे। महाराज जी ने सबसे पहले कथा सुनाई थी कि जब भगवान एक बार यशोदा मैया अपने घर में मक्खन चोरी कर रहे थे तो उन्होंने मणि स्तंभ में अपने ही स्वरूप को देखा, स्वरूप को देख करके भगवान आश्चर्यचकित रह गए कि कितना सुंदर स्वरूप है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। फिर वो पूरी कथा हमने श्रवण की। और द्वारिका में भी हम ऐसी कथा हमें सुनने को मिलती है कि जब मणि स्तंभ में भगवान ने अपने स्वरूप को देखा तो भगवान के मन में भी ये इच्छा हो गई कि इतना सुंदर स्वरूप जिसको श्रीमती राधिका जी जो है जिसका आस्वादन करती हैं, और यही कारण बना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं भी उस स्वरूप से विस्मित हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी और सीता जी और जितने भी मतलब कि नारायण, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, मतलब सबके सब जितने भी हैं उनके हमने अलग अलग उदाहरण सुने कि कैसे वो है भगवान के उस सुंदर स्वरूप के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लक्ष्मी, तो इस तरह से हमने बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा यह समझा कि भगवान का वह स्वरूप कितना सुंदर था और परम पदम भूषण भूषणांगम, कि वह स्वरूप कैसा था। साधारण जगत में तो अगर किसी व्यक्ति को सुंदर दिखना हो तो वो बहुत प्रकार के गहन जो है आभूषणों को धारण करता है, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेगा और मेकअप करता है, तो उसी से जो है व्यक्ति सुंदर दिखता है। परंतु भगवान का जो स्वरूप क्या है, स्वस्थ जो सौभगर्दे, कि वो स्वयं प्रकाशित स्वरूप है, उसको अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है सुंदर दिखने के लिए। यहाँ तक कि भगवान का वह जो स्वरूप है, वह जो भी भगवान वस्त्र धारण करते हैं, जो भी भगवान आभूषण धारण करते हैं, उन सबकी सुंदरता को भी बढ़ाने वाला है, ऐसा भगवान का स्वरूप है। और इसके बाद जो दूसरा श्लोक उन्होंने बोला वो था, स्वयं तु असाम्यात अतिश
त्रयधीश स्वराज लक्ष्मी आप्त समस्त काम बलिम हरिद्भिष्ट लोकपाली किरीट कोटि इडित पादपीठ। यह श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। महाराज जी ने बताया कि श्रीमद् भागवतम में भगवान के लिए जो स्वयं शब्द है वो तीन जगह पर प्रयुक्त हुआ है। एक तो एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कृष्ण कौन है, वो स्वयं भगवान है। और फिर ये श्लोक आता है स्वयं तु असाम्यात, कि वह भगवान क्या है, स्वयं रूप है, अर्थात उनको प्रकट होने के लिए किसी और, उनके स्वरूप को प्रकट होने के लिए किसी और की अपेक्षा नहीं होती। वह स्वतः सिद्ध स्वरूप है और उसके समान और कोई नहीं है। न तत् समश्च अधि अभी अधिकश्च दृश्यते, कि उससे अधिक तो क्या, उसके समान भी और कोई स्वरूप जो है इस जगत में विद्यमान नहीं है। और एक जगह पर आता है, शायद 9वें स्कंद में आता है, कि जब यादव वंश का वर्णन आता है तो वहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो अष्टम गर्भ में भगवान आए वो कौन थे, स्वयं हरि थे। तो स्वयं हरि ही जो है अष्टम गर्भ में देवकी के गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया। तो वहाँ पर नवम स्कंद में जो यदुवंश का वर्णन है उसमें जो है अष्टम गर्भ में जब बताते हैं कि स्वयं भगवान हरि ने अवतार ग्रहण किया। तो यह जो तीन श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान के स्वयं रूप का वर्णन हुआ है। और फिर इसमें बता रहे हैं कि भगवान क्या है, त्रिधीश, अर्थात भगवान तीन चीज़ों के ईश्वर हैं। तो वो क्या है, एक तो ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, जो इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के भगवान अधीश्वर हैं। और चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति, इन तीनों के भी भगवान क्या है, अधीश्वर हैं। इसके अतिरिक्त कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु, इन तीनों के भी भगवान ईश्वर हैं। इस प्रकार से भगवान क्या हैं, त्रिधीश हैं। स्वराज लक्ष्मी आप्त समस्त काम, कि भगवान क्या है, आत्माराम आप्त काम है, अर्थात भगवान को आनंद के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और स्वराज लक्ष्मी, और भगवान के जो अपने भक्त हैं भगवान, उनके साथ ही जो है आनंद, जो है आनंद, हाँ आनंद का अनुभव करते हैं। और आगे क्या बता रहे हैं कि जितने भी लोकपाल हैं, जितने भी ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शिव और जितने भी इंद्र इत्यादि देवी देवताएं हैं, वो क्या करते हैं, भगवान जिस चौकी पर अपने चरणों को रखते हैं उस चौकी पर आकर के उस प्रणाम करते हैं। और अपने करोड़ों करोड़ों मुक्तों के द्वारा जो है, जब उन मुक्तों से वो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं तो उन मुक्तों की जो है छन छन आवाज़ आती है। तो इसके लिए भी महाराज जी ने कम कला में बड़ी ही सुंदर जो है ब्रह्मा जी की कथा सुनाई थी, कि ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने बहुत प्रकार के ब्रह्मा जी देखे, जो 4 मुख वाले, 8 मुख वाले, 16 मुख वाले, इस तरह से 64 सहस्त्रमुख वाले ब्रह्मा जी आए और वो आ आ करके भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। तो यह बड़ा ही सुंदर जो श्लोक उद्धव जी ने बोला। और इसके अतिरिक्त एक और श्लोक बोला जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन है। अहो बकियम स्तन काल कूटम झिंगाश्याय पायद अपि असाधवी लेभे गतिम धात्रे उचितम ततो अन्य कम व दयालु शरणम ब्रजेम, कि इसमें भगवान के जो दयालुता गुण है, भक्तवात्सल्य गुण है, उसका प्रकाश किया गया। कि वह जो बकी अर्थात जो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके भगवान का अमंगल, भगवान को मारने के लिए आई थी, परंतु भगवान ने क्या देखा कि यह जो है एक माता का स्वरूप धारण करके आई है और मुझे दूध पिलाने के लिए आई है, तो केवल मात्र इसी गुण से जो है भगवान रीझ गए। और उसको क्या गति दी, जो साधारण ज्ञानियों और योगियों को भी कभी प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसी गति भगवान ने उस पूतना को प्रदान की। यशोदा जी के, जो यशोदा जी की धाई हैं अंबिका और किलिम्बिका, उनके आगत्य में उनको सेवा करने का गोलोक धाम वृंदावन में भगवान ने अवसर प्रदान किया। तो इस प्रकार से ये तीन श्लोकों में बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान के गुणों का, भगवान की जो स्वयं सिद्ध स्वरूप है उसका, और भगवान के जो नरनीला के अनुरूप जो भगवान ने विग्रह को प्रकाशित किया इस धरती पर, उसके बारे में बड़े ही सुंदर स्वरूप से वर्णन हमने श्रवण किया। और इसके बाद अब विदुर जी जो हैं उद्धव जी से विदा लेकर के मैत्रेय जी के पास जाएंगे और वो कथा हम महाराज जी से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरु वैष्णव कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
हरे कृष्ण ओम ज्ञान तिमिरामधस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि कर्ता गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। इसलिए हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री विदुर और श्री उद्धव जी की आपस में कैसे चर्चा हुई और उद्धव जी कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर महिमा को कैसे गाए। इतने में उद्धव जी ने श्री विदुर जी को बोले बोले देखो ठाकुर जी तुम्हारा लिए जो धरोहर रूप में जो अंतिम उपदेश देकर गए वो मैत्रेय को पास में रख कर गए, इसलिए तुम जाओ और मैत्रेय से ये सारे संवाद को तुम मैत्रेय से श्रवण करो। तब श्री विदुर जी दौड़ दौड़ करके श्री मैत्रेय को पास में आते हैं और मैत्रेय को पास में आ करके उन्होंने हम बता रहे थे ना साधु साधु से जब मिलते हैं कैसे नियम है तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनी। ऐसे नहीं साधु के पास में जाकर के कोई प्रश्न किया आपको बोलना पड़ेगा, प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा आपको हैं, इसलिए आपको कहते नहीं ऐसे नहीं। साधु से जोर जबरदस्ती कोई भी चीज़ को हम ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए साधु से ग्रहण करने का नियम है क्या करो तद्विधि प्रणिपात न, पहले जा करके प्रणिपात केवल प्रणाम नहीं प्रकृष्ट रूप में शरणागत हो, ऐसे नहीं कपटतापूर्वक है, कपटतापूर्वक जाकर प्रणिपात नहीं करनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं जैसे कर्ण परशुराम के पास में गया, जब पहले उन्होंने परशुराम के पास में गए और पहले तो उन्होंने चाहते थे द्रोणाचार्य के पास में ज्ञान लेने के लिए, लेकिन वो सूत पुत्र है उन्होंने तो दिया ही नहीं उनको हैं, लेकिन वो कहाँ गए परशुराम के पास में और उन्होंने कपटतापूर्वक ज्ञान को अर्जन किया। उन्होंने ये नहीं बताए मैं उन्होंने झूठ से बोल दिए हैं, झूठ बोले मैं ब्राह्मण कुल के, लेकिन थे सूत पुत्र, लेकिन तो सूत पुत्र है ही नहीं, वो तो वास्तव रूप में कुंती का ही पुत्र है। तब भी उन्होंने गुरु जी के पास में उन्होंने झूठ बोले, लेकिन झूठ बोलने का परिणाम क्या हुआ है, परिणाम यह हुआ है जब गुरु जी इनके जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे थे एक कीड़ा आ गया और वो कीड़ा ने कर्ण को काटने लगा, जब काटने लगा इतने में ऐसे काटा, उसने देखा कीड़ा तो काट रहा है गुरु जी तो सर को जंघे के ऊपर दे करके सो रहे हैं, अगर मैं गुरु जी को जगाऊँ तो गुरु जी का नींद खराब हो जाएगी, लेकिन उसने पूरा सहन कर लिया और कीड़ा ने प्यार में छेद कर दिया, खून की धार बहने लग गई। जब परशुराम का शरीर में ठंडा ठंडा लगा, ये क्या देखा कीड़ा प्यार के तुम काट दिया खून की धार बह रहा है, ले तू सच बता तू कौन है,
लगता है तो ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर में इतनी सहन शक्ति नहीं। ये सहन शक्ति तो किसी क्षत्रियो के अंदर में ही ये हो सकता है, ब्राह्मण को हो ही नहीं सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, अभिशाप दे दिया, मतलब सबसे जरूरी समय जब आएगा तुम्हारी, जिस समय तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण जरूरी काम आएगा ना, उस समय तुम मंत्र को भूल जाओगी। ये सब भगवान की इच्छा है। परशुराम कौन है? भगवान का अवतार है। अब भगवान क्या चाहते हैं? परित्राण आय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान तो यही चाहते दुष्टों को विनाश करते हुए भक्तों को रक्षा करे, इसलिए उन्होंने ये विद्या उनकी निष्फल हो गई है, निष्फल हो गई। फिर श्री कौन एकलव्य, वो भी द्रोणाचार्य जब मना कर दिया, फिर उन्होंने द्रोणाचार्य का मूर्ति बना करके उन्होंने जोर जबरदस्त सीखने लगे हैं, जोर जबरदस्त उन्होंने सीखे। वो भी कपटता की, कपटता की तो क्या हुई, बोले आपका गुरु कौन है? जब पंच पांडव जा रहे थे, एक कुत्ता था उनको पास में, इतने में कुत्ता भो कर रहा था, इतने में एकलव्य ने ऐसे बाण मारे उसका मुंह में खोरंच तक भी नहीं पहुंचा, और मुंह में एकदम बाण भर गया। और कुत्ता जब वापस आया, अर्जुन ने बोला ये क्या, खोरंच तक भी नहीं आया, मुंह बंद पूरा पूरा बाण से। जाकर के उन्होंने देखा, एकलव्य को देखा, हैं, बोले भैया तू किसकी चले हो? बोले मैं तो चला हूँ द्रोणाचार्य की। अर्जुन ने कहा, अर्जुन सोच रहा है द्रोणाचार्य तो मान रहे हैं मैं सर्वश्रेष्ठ, उनकी शिष्य में सर्वश्रेष्ठ सीखे शिष्य हूँ, मेरे जैसे तो कोई शिष्य है ही नहीं, लेकिन ये तो मेरे से भी ज़्यादा ही है, मेरे से भी ज़्यादा ही ये बाण में निपुण है। इतने में द्रोणाचार्य आए, बोले गुरु कौन है? बोले आप ही गुरु, मूर्ति बना करके रखा, बोले आप ही गुरु हो, बोले मेरे से सीखा लिया लेकिन तुम मेरे को गुरु दक्षिणा नहीं दिया, बोले बताओ क्या चाहते हैं? बोले सिद्धार्थ के अंगुष्ठी, कौन सा अंगुली बोलते इसको, हाँ किस कौन सा अंगूठा, किसका नाम, डायना, डायना अंगूठा, हाँ सिद्धार्थ का ये कौन सा अंगूठा है, डाया, हाँ ये अंगूठा को मेरे को काट करके दे दो। लोगों ने ऐसे चेला, उसने काट करके दे दिया। इसलिए इसी विषय पर कुछ लोग कटुक्ति करते हैं, द्रोणाचार्य जो काम किया उन्होंने ठीक नहीं किया, उन्होंने इतने परिश्रम से उन्होंने क्या किया, इतने विद्या अर्जन किया और गुरुदेव होकर के डाहिने अंगूठे को काट लिया, हैं, ये गुरु जी सही काम नहीं। लोग ये चीज़ को नहीं जानते ना, दोषारोप करते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य ये कोई साधारण गुरु नहीं थे, वो तत्ववेता गुरु थे, हैं, तत्ववेता गुरु थे। उनको पता है एक दिन ये क्या करेगा, एक दिन ये दुर्योधन का पक्ष लेगा, लेकर के ये क्या करेगा, उसको द्रोह था अर्जुन को ऊपर में, एक दिन अर्जुन को वो मारना चाह रहा था, लेकिन ये सचमुच से गुरु जी की शरणागत होकर के गुरु जी की सेवा करते हुए ये ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया है, कपटता पूर्वक उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, गुरु जी की सेवा करते हुए उन्होंने ये ज्ञान को प्राप्त किया। गुरु जी को सेवा करते हुए निष्कपट रूप में जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, कहते वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। कपटता पूर्वक जो ज्ञान अर्जन करते हैं वो ज्ञान एक दिन काम में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर बताए तद्विधि परिप्रणिपाते न, सबसे पहले गुरु जी के चरण में हमें संपूर्ण रूप में शरणागत होनी चाहिए, हैं, परिप्रश्न न सेवया, और गुरु जी को प्रश्न करनी चाहिए और गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। इसलिए कहते ना सेवा के बबर मेवा नहीं मिलता है। इसलिए गुरुदेव इसकी एग्जाम्पल गुरुदेव देते थे, गुरुदेव कहते थे एक समय इंद्र और विरोचन ये दोनों को पता चला, अगर कोई आत्मविद्या को अगर जीवन में कोई प्राप्त कर ले वो अजर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, आत्मविद्या अगर कोई गुरुजी से प्राप्त करे तो। इतने में इंद्र देवता का राजा, इंद्र और दैत्यों का राजा बलि, ये दोनों आए, आकर के बोले किसको पास में ये आत्मविद्या मिलेगा, बोले ये पितामह ब्रह्मा जी ये ज्ञान प्रदान करते हैं। जब ब्रह्मा जी को पास में आए, जब आए ब्रह्मा जी, उन्होंने कुछ बोले नहीं, कोई आत्मविद्या नहीं बोले, बोले जाओ तुम दोनों 25 साल तक गैया चराओ, 25 साल को बाद में आना। अभी 25 साल तक उन्होंने गैया चराया, गैया चरा करके जब वापस आए ना, बोले गुरु जी बताओ
आत्मज्ञान प्रदान करो, आपको आदेश सुखपाल ने किया। बोले एक पात्र में पानी ले आओ, एक पात्र में पानी ले आए, बोले इसको देखो, जब देखे उसके अंदर उनका अपना परछाई बढ़ा, बोले जो परछाई दिख रहा है ना यही आत्मविद्या है, यही आत्मविद्या है, जाओ। जब वो गए इतने में इंद्र तो चतुर है और देवता का राजा है, ये शरणागत है, बोले भैया ये कैसे आत्मविद्या हो सकता है, हैं ये तो शरीर का ये परछाई है, ये शरीर का ये परछाई तो झूठा है, शरीर भी झूठा परछाई भी झूठा है, तो ये कैसे आत्मविद्या हो सकता है। वो संतुष्ट नहीं हुए, वो वापस आए, बोले गुरुजी पितामह ब्रह्मा आप तो मेरे को ठग दिए हो, आप सही सही बताओ। लेकिन जो दैत्यों का जो राजा था ना, जो दैत्यों का जो राजा था, हाँ विरोचन था, इसलिए विरोचन जब गए तब सारे दैत्य लोग इंतजार कर रहे थे जे गुरुजी आत्मविद्या को पढ़ने के लिए गए, गुरुजी आत्मविद्या सीख करके आएंगे। जब उन्होंने जब वापस आए विरोचन, तब दैत्य लोग ने पूछा आपने क्या आत्मविद्या क्या सीखा, बोले आत्मविद्या कुछ नहीं है, सब झूठा है, ये शरीर ही सब कुछ है। इसलिए ऋणम कृत्वा घीतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूता से दहस्य कुतः पुनरागमन भविष्यति। इसलिए कहते ये शरीर ही सब कुछ है, भले कहते ना चार बाग का ये फिलोसफी है, ऋणी करके भी घी खा लो, ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ, मरने के बाद कौन किसको देखता है, जल करता है शरीर राख हो जाएगा, ये शरीर ही सब कुछ, किसी तरह ये शरीर के लिए सब कुछ करो। इसलिए कहते ये चार बाग है ना, चारों मतलब मीठी मीठी बाकी है, कहते इन्होंने जा करके दैत्यों को बोले, बोले आत्म फात्मा कुछ नहीं, ये शरीर ही सब कुछ है, इसको खिलाओ पिलाओ, उसको मौज मस्ती में रखो, मरने के बाद कौन किसको देखने के लिए आता है, ये शरीर ही सब कुछ। कहते भैया ये विद्या किसका, बोले राक्षसों का विद्या है, ये विद्या राक्षसों का बुद्धि है, ये ऊंचा बुद्धि नहीं। लेकिन इंद्र समझदार था, वापस आया, फिर ब्रह्मा जी बोले फिर जाओ 25 साल गया चरा करके आओ, कोई बात नहीं बोले 50 साल बाद में, फिर जब आए 25 साल के बाद में बोले बता आत्म तत्व, बोले जो स्वप्न देखते हो ना सोते समय जो स्वप्न देखते हो, वो जो स्वप्न देखते हो वही आत्मविद्या। फिर इंद्र थोड़ी देर गए दूर जा करके बोले ये कैसे स्वप्न कभी देखे हो, कौन कौन स्वप्न देखे हो, हाँ कभी स्वप्न देखते हैं राजा बन गए देश का, हैं रानी प्यार दबा रही है, रानी हमारी प्यार दबा रही है, राजा बन गए हैं, जो आँख खुलती है ना वही मैं जो फटे फटे बिस्तरा में सोए हुए और स्वप्न देख रहे हैं करोड़ रुपया के स्वप्न है। इसलिए कहते भैया इस स्वप्न कैसे हो सकता है। फिर बोले बोले ये तो गुरुजी आप ठग दिए, बोले और जा 25 साल और गया चरा। फिर जब आए फिर सुसुप्ति अवस्था को उन्होंने आत्मविद्या बोले, बोले और जा 25 साल 100 साल जब उन्होंने क्या बोले उन्होंने गैया चराए, उसको बाद में इन्होंने फिर आत्मविद्या उन्होंने प्रदान किया, उसको पहले नहीं किया। तो यहाँ प्रश्न करते हैं भैया जब इंद्र पहले आए तभी वो आत्मविद्या बोल देते ना, फिर उनको 100 साल तक ही गैया चराने के लिए क्यों भेजे। बोले कारण है परिप्रश्न सेवया, अगर हम सेवा नहीं करेंगे हम मेवा नहीं मिल सकता है, सेवा के बगैर मेवा नहीं मिल सकती है, इसलिए सेवा करना पड़ेगा। इसलिए जब हम सेवा करते हैं सेवा के द्वारा ठाकुर जी और गुरुदेव जब प्रसन्न होते हैं, सेवा के द्वारा क्या होता है उसी समय में हैं, उसी समय में अपने आप हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान स्फूर्ति होता है। और सेवा के बगैर अगर कोई बोलेगा मेवा मिल जाए, हो ही नहीं सकता, नहीं तो भगवान कृष्ण को क्या जरूरत था लकड़ी का सूखी लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाने का, कोई जरूरत था भगवान को, कोई जरूरत था नहीं। और ठाकुर जी सूखी लकड़ी लेकर के सर पर रात भर खड़े रहे, गले तक पानी तक उन्होंने गले तक उन्होंने खड़े रहे, भगवान चुटकी बजाते ही सब कुछ हो जाता है, तो भगवान ने ऐसे क्यों उदालक अप उपमन्यु हैं हमारे गुरु वर्गों का को सेवा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर हमें वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना तो क्या करना पड़ेगा, हमें सेवा करना पड़ेगा। जो जितना निष्कपट से इस शरीर को जो जितना रगड़ करके आप देखना, जो जितने रगड़ करके सेवा में लगाओ ना, मैंने ये चीज़ को स्वयं देखा है। मथुरा में हम लोग रहते समय हम देखा जिन जिनियों ने पहले गुरु वर्गों का ठाकुर को जो जितना सेवा किया है अभी वो उतना ही जगत में
हैं जगत में उतना ही वो लोग बढ़े, और जो सेवा नहीं किया हैं, अगर सोचोगे हम श्लोक सारे याद कर लेंगे मुखस्थ कर देंगे लेकिन सेवा नहीं करेंगे हैं, सेवा नहीं करेंगे भैया ठन ठन मदन गोपाल, लास्ट में कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि भगवान कहते भगवान जिसको जमे वैसे वृणुते तेन लभ्य, भगवान जिसको कृपा करके स्वीकार करेंगे हैं सही जाने जा रहे देहु जाना आई, वो उनको जान सकते हैं जिसको भगवान स्वयं जनवाते हैं। हमने देखा गुरुदेव के समय में हैं बड़े बड़े पीएचडी बड़े बड़े शिक्षित लोग बड़े बड़े अच्छे लोग थे, लेकिन देखा साधारण व्यक्ति का हृदय में इतने तत्व ज्ञान की स्फूर्ति हुई जो साधारण व्यक्ति के हृदय में, मैंने आश्चर्य पड़ गया। ये अनपढ़ कहते ना गोविंद, इतना कोई लिखा पढ़ा नहीं, क्या करते थे गुरु जी की कपड़ा साफ करते थे, गुरु जी की सेवा करते थे, लेकिन उनके हृदय में ही सब कुछ स्फूर्ति हो गई है, उनके हृदय में सब कुछ उनके हृदय में स्फूर्ति हुई। इसलिए भैया सेवा करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो जितने रगड़ करके ठाकुर को सेवा करेगा, ठाकुर जब देखेंगे निष्कपट भाव को, फिर वो दिव्य ज्ञान को ठाकुर जी उसको प्रदान करते हैं। इसलिए जब उन्होंने मैत्रेय को साथ में मिले तब उन्होंने उनको चरण में प्रणाम करते हुए शरणागत होकर के उन्होंने दिव्य ज्ञान को उन्होंने प्रश्न किया। तो उसी समय में यहाँ पर कह रहे हैं कहते उनका हृदय कैसे है, कहते उनका हृदय कहते निर्मल है, सरल है, संतुष्ट चीत है, हैं ये सब होने का वजह से। इतने में विदुर जी उनको प्रश्न करते हैं, विदुर जी जब विदुर जी प्रश्न क्या करते हैं, बोले सुखाय कर्मणि करोति लोके न तय सुखम बन दुपारंभम बा बिंदते भूअस्तुत एव दुखम जदत्र मुक्तम भगवान बदेना। कहते जगत में जीव जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं, सबके सब सुख के लिए ही जगत में सब काम करते हैं, सुख आए और दुख जाए। अब देखना कि दो काम के लिए सारे काम करते हैं, जो कुछ करते हैं सबर शाम तक कितने काम के लिए, केवल दो काम, सुख आए और दुख जाए। लेकिन एक आश्चर्य चीज आप देखिएगा हैं, करते हैं तो सुख आए और दुख जाए, लेकिन अगर थोड़ी समय के लिए कहीं सुख भी आ जाती है ना, थोड़ी देर बाद में देना सुख कहीं गायब हो जाती, फिर दुख ही दुख है, फिर दुख ही दुख है। किसी तरह से ये दुख जाता ही नहीं है, किसी तरह से दुख नहीं जाते हैं। इसलिए कहते उनका ये एक प्रश्न था है, प्रश्न था। दूसरा है भगवान जगत में क्यों अवतार लेते हैं, और जो तीसरा जो प्रश्न है भगवान की जो दिव्य चरित्र, आप कृपा करके मेरे को भगवान के दिव्य चरित्र का मेरे को सुनाओ। जब श्री प्रश्न उन्होंने किया है, जब विदुर जी को उन्होंने ये बात को उन्होंने मैत्रेय जी को प्रश्न किया, तो उसी समय में कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे यहाँ पर श्री पहले पूर्व जन्म में विदुर कौन थे, विदुर पहले कौन थे, मांडव ऋषि पहले जन्म में थे। इसको सुन करके कहते श्री उद्धव जी, इसको सुन करके कहते बोले देखो पूर्व जन्म में तुम साधारण व्यक्ति नहीं थे, पूर्व जन्म में तुम धर्मराज थे, मांडव ऋषि नहीं धर्मराज थे, पूर्व जन्म में तुम धर्मराज थे, लेकिन मांडव ऋषि की अभिशाप से तुमको ये विदुर जी का जन्म तुमको मिला है, तब भी तुम इतने सुंदर प्रश्न कर रहे हो। जब उन्होंने सब प्रश्न किए कहते ये प्रश्न को सुन करके तब उन्होंने ये सृष्टि तत्व को उन्होंने वर्णन किया है। कहते जो सृष्टि है कहते जगत में कहते तीन तरह से सृष्टि होता है। पहले जो सृष्टि होती थी कहते वो मन से सृष्टि हुआ करता था, और दूसरा जो सृष्टि होती थी कहते इच्छा से सृष्टि हुई, और जो तीसरा जो सृष्टि है कहते वो दैहिक सृष्टि है, ये शरीर से है। इसलिए हम सुनते ना पहले दक्ष प्रजापति मन से कितना संतान 10,000 पुत्र को सृष्टि किया, वो मन से सृष्टि करते थे पहले, फिर वो इच्छा से सृष्टि होती थी। लेकिन ये जो शरीर का जो सृष्टि कहाँ से आरंभ हुई कहती ये मनु महाराज से ही, कहती ये शरीर का सृष्टि ये मनु महाराज से सृष्टि हुई। इसलिए हम लोगों को कहते हैं मानव कहते हैं। लेकिन कल सुन रहे थे ना प्रभु जी कह रहे थे डार्विन का जो थियोरी है, पहले हम लोग कौन थे,
पहले हम लोग बंदर थे, कहते ये बंदर का पूछ कटते 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 जब खत्म हो गया फिर क्या हुआ, फिर हमने इंसान बन गए, इसलिए खड़े हो गए। इसलिए इसलिए भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज हैं, भक्ति वेदांत श्री स्वामी स्वामी महाराज कहते हैं, कहते जो डार्विन का जो पिता माता बंदर थे, लेकिन हमारी पिता माता बंदर नहीं, हमारा पिता माता तो ठाकुर है, हमारा पिता माता ठाकुर है, हम बंदर से सृष्टि नहीं हुए। इसलिए वो कहते हैं अगर बंदर से अगर हम सृष्टि होते तो वृंदावन में कितने बंदर घूम रहे हैं, बहुत सारे बंदर घूम रहे हैं ना। कहते उसी समय से ये बंदर से क्यों सृष्टि हुई है, अभी एक बंदर से तो कोई एक इंसान बन नहीं रहा है। कहते ना वो पूछ कटते 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 जब खत्म हो गया इंसान हो गए, लेकिन जो कटते 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 बीच का तो था, बीच का कोई ये चीज है क्या, कुछ तो है नहीं, तले बंदर से कैसे हुए हैं। इसलिए ये लोग अच्छे तरह से सेमिनार में दिखाते हैं, हैं, इसलिए डार्विन ने कैसे धोखा दिया है, मरने से पहले बोल कर गया ना, कोई बोलते मरने से पहले बोल कर गया, कहते मैंने इसलिए कहा था, ये जो सरकार मेरे को कहा था तुम प्रूव करके दिखा दो बंदर से हुए, फिर लोग क्या होंगे, ये सब के सब नास्तिक बन जाएंगे। लेकिन वो कल ये कह रहे थे ना, अमेरिका में ये थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता है, ये भारत में ये थ्योरी पढ़ाई जाती है, इसलिए किसी बंदर से नहीं हुए। इसलिए हमारे कोई भी शास्त्र नहीं कहता है हम लोग बंदर से हुए हैं। गीता पढ़ लो, गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण गीता में कहते हैं ममई बांस, ये जितने जीव मेरे अंश हैं, इसलिए पिता अहम अस्य जगत धाता माता पितामह। कृष्ण स्वयं कहते हैं जगत का पिता माता भाई बंधु मैं हूँ, इसलिए तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वही गीता कहता है। हमारे हिंदू धर्म कहते ये आप क्रिश्चियन का धर्म, क्रिश्चियन का जो बाइबल वहाँ पर पढ़ो, वहाँ पर भी एक ही बात बताए, मतलब गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, वहाँ पर भी बताए भगवान ने अपना जैसे जीवों को मनाया। कहते इसमें देखो हैं, कहते कहते कुरान में देखो, ये बाइबल में कुरान में देखो, कुरान में भी लिखा हुआ है अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया, ये कुरान में लिखा हुआ, ये मुसलमान धर्म में लिखा हुआ, अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को प्रदान किया। कहीं नहीं बताया गया ये बंदर से इंसान हो गया, किसी धर्म में नहीं है, हैं, किसी धर्म में नहीं है। इसलिए आप देखो भगवान को साथ में मिलाओ, जैसे कृष्ण और राम है, भगवान का जैसे नाक हमारे भी ऐसे नाक है, कृष्ण का जैसे दो आँख हमारे भी दो आँख, कृष्ण का दो हाथ हमारे दो हाथ, कृष्ण के दो प्यार हमारे भी दो प्यार हैं। कहते एक समय कहते ये बंदर का हैं कोई हिस्सा इंसान में लगाना चाहा, कहते केवल ब्रेन को केवल उन्होंने लगाना चाहा हैं, और बंदर जैसे छलांग लगाते ना, लगाते बंदर जैसे इंसान छलांग लगाना शुरू कर दिया, उसका एक पार्ट भी नहीं लग पाए। इसलिए हम लोग कोई बंदर से नहीं हुए हैं, किससे हुए हैं, हम भगवान से हुए हैं। इसलिए हमारे भारत में देखना सबका गोत्र अलग अलग है, वशिष्ठ गोत्र है, पराशर गोत्र है और सांडिल्य गोत्र, वो कहाँ से आए हैं। कहते ब्रह्मा जी ने जो 10 बेटे जन्म दिए ना हैं, जो 10 बेटे जन्म दिए जिससे हम लोग आए हैं ना, जिनकी परंपरा से हम, हमारे वही गोत्र है, हमारी वही गोत्र, सबके सब वही गोत्र है जिनसे हम लोग आए हैं। इसलिए हम लोग कोई बंदर से नहीं हुए, हम कहाँ से हुए, इसलिए हम मनु महाराज से हुए हैं। इसलिए हमको क्या कहते हैं, हमको मानव कहते हैं। इसलिए मनु महाराज ने क्या बनाया, मनुस्मृति बनाए, मनुस्मृति ग्रंथ में हमारे क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य, जो आहार निद्रा भय मैथुनो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, इंसान को क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये मनु महाराज, जिस समय मनु महाराज को ब्रह्मा जी अपना परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि की हैं, अपना पीठी से अधर्म को सृष्टि की, 10 पुत्र को उन्होंने सृष्टि किया, फिर उन्होंने अपना बाम और डाहन अंग से मनु सतरूपा को उन्होंने सृष्टि की। सृष्टि करते हुए उन्होंने मनु महाराज जब आदेश दिए सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, तो मनु महाराज अभी देख रहे जो सृष्टि हैं जो क्रम बढ़ाऊंगा पृथ्वी तो है ही नहीं, फिर उन्होंने कल सुन रहे थे ना कैसे बराह देव प्रकट हुए, धुरी पर स्थापन किया, तो उन्होंने दधि स्मृति नाम का राज्य को स्थापन करते हुए सृष्टि की, उन्होंने क्रम को उन्होंने बढ़ाए। इसलिए उसमें कितने संतान हुए, 5, कि 3 बेटी और 2 बेटे, 2 बेटे में एक उत्थानपात और एक प्रियव्रत, और 3 बेटी में आकुति देहूती
और ये प्रसूति, तीन उनको बेटी जन्म हुई। कहते इनका जो तीन बेटियां कहते हैं इतने सुंदर थी, देखने में इतने सुंदर थी, जब ये राजमहल के आंगन में ये खेलती थी, क्रीड़ा करती थी, स्वर्ग का देवता लोग भी जिनको देख करके मुग्ध हो जाती थी। इतने सुंदर इनकी तीन बेटियां थी, अपूर्व सुंदर इनकी तीन बेटियां थी। इसलिए करदम ऋषि ने उन्होंने कठोर तपस्या की है, ब्रह्मा जी का आदेश से उन्होंने तपस्या किया। तपस्या को देख करके भगवान संतुष्ट होकर के दर्शन दिए, और जब उनको भगवान का आंखों से जो आंसू निकली उसी से ही क्या बन गया, बिंदु सरोवर उससे बना। फिर भगवान करदम ऋषि को दर्शन दिए, बोले बेटा तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु जी मेरे मन में तो कोई संसार की कोई इच्छा है नहीं, लेकिन चूंकि आपकी मन में इच्छा सृष्टि का क्रम बढ़े, लेकिन पहले चतुसन ने पालन नहीं किया सृष्टि। चतुसन का पहले सृष्टि क्या था? बोले संसार करो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा मना कर दिया, सीधा उन्होंने मना कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने उनको अभिशाप दे दिया, बोले शादी नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले अगर शादी नहीं करोगे ना अभिशाप देता हूँ। बोले क्या है? बोले जैसे जन्म हुए जिंदगी भर ऐसे रहो, बच्चे बन करके रहो, शादी नहीं करोगे ना बच्चे बन करके रहो। बोले गुरु जी ये थोड़ी अभिशाप, ये तो वरदान है। बोले क्यों वरदान कैसे? बोले संसार का सारे बोझ किसको ऊपर में, बड़े को ऊपर में, छोटे को ऊपर कोई है, छोटे को ऊपर कोई बोझ है? गौर तुम कोई सोचते हो मंदिर में क्या चलेगा नहीं चलेगा, कहाँ से पैसा आएगा? ए तरबूज थाला भर कर तरबूज का है। इसलिए जितना जो दायित्व बोझ है ना वो बड़े को ऊपर में, छोटे को ऊपर नहीं है। इसलिए कहते ये तो वरदान थोड़ी है, ये तो ये अभिशाप, ये तो वरदान हमारे लिए है। इसलिए लेकिन इन्होंने देखो पिताजी के आदेश पालन करनी चाहिए कि नहीं, बताओ करनी चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। लेकिन सृष्टि का पहला है, सृष्टि का पहले चतुसन, लेकिन पहले ही पिताजी का आदेश को उन्होंने अवमानना कर दिया। लेकिन जब कहीं हम लोग छोटे बच्चे थे ना, हम जाते थे कहीं भिक्षा के लिए कहीं प्रचार, बोले पिता माता का सेवा कुछ किया नहीं, शादी शुदा किया नहीं, और सब छोड़कर बाबा बन गए सबके साथ है, बाबा बन गए, तुमको पाप नहीं लगेगा? पिता माता जन्म दिया तुमको, लिखाया पढ़ाया बड़ा किया तुमको, और कुछ तो किया ही नहीं, घर गृहस्थी नहीं किया, संसार का ऋणी कैसे चुकाओगे? संसार का ऋणी कैसे चुकाओगे? साधु बन के टिक्की और चोटी रख करके हरी बोल वगैरह से चलेगा? साधारण लोग इसको ही साधारण लोग सर्वश्रेष्ठत्व तो मान देते हैं। लेकिन यहाँ पर हैं, यहाँ पर सृष्टि का पहला पे जो हुए चतुसन हुए, उनने कोई घर गृहस्थ उन्होंने किए ही नहीं, जिंदगी उन्होंने भजन किया, उनका कोई हानि हुआ है? सारा दुनिया में जहाँ पृथ्वी महाराज को घर में गए तो पृथ्वी महाराज देख करके जहाँ जाते हैं चमचमाते हुए, जहाँ जाते हैं 5 साल से ज्यादा उम्र होता नहीं नंगे धड़ेंगे हैं। बैकुंठ गए तो बैकुंठ का द्वारपाल जय भी राधा रास्ता को रोक दिया तो उनको भी नहीं छोड़ा, अभिशाप दे दी, उनको भी अभिशाप दे दिए उन्होंने हैं। इसलिए जिधर जाते हैं सर्वत्र इनकी जय जयकार। और चतुसन नारद जी को भागवत कथा सुनाए ना, हाँ हाँ सारा दुनिया को भागवत कथा सुनाते, सर्वत्र इनकी पूजा हो रही है। बोले क्यों? बोले जगत में जितने कर्तव्य है जीव की, जितना कर्तव्य है, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, तुम समस्त धर्म को छोड़ करके वर्ण और आश्रम सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, आने से क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सारे पापों से मैं तुमको मुक्त करा दूंगा, मां सोचो कोई चिंता मत करो, कोई चिंता की जरूरत नहीं, मेरे भजन करो हैं। इसलिए जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इसलिए जीव का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान की शरण में आने पर एकादश स्कंद में कहते हैं ना, कभी जगत में आओ तो 6 तरह का ऋणी से आपको बंधन में बंधना पड़ता है, 6 तरह का ऋणी उतारनी चाहिए। क्या है? देवर्षि भूतापतरिणाम पितृणाम नाय मणिचराजन सर्वात्मनाज शरणम शरणम गतम मुकुंदम परिहर्त कर्तव्यम। इसलिए 6 तरह का ऋणी से जीव को मुक्ति होनी चाहिए है, देवताओं का ऋणी है, ऋषियों का ऋणी है, पिता माता का ऋणी है, परिजनों का ऋणी है, देव ऋणी है, ऋषि ऋणी है,
हैं, ये सब ऋणी से मुक्त होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं अगर केवल पिता माता के ऋणी कोई चुकाने के लिए जाए ना, जिंदगी भर सेवा करोगे तो उनका ऋणी से कभी ऋणी बन नहीं सकते हो। इतने पिता माता की ऋणी हमें, अरे सबका ऋणी तो रह गया, फिर कैसे चुकाओगे। लेकिन भगवान कहते अगर सर्वात्मना ज शरणम शरणम, जो व्यक्ति सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जाते हैं, सारे ऋणी से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति संसार छोड़ करके बाबा जी बन जाता है साधु, भगवान कहते हैं मैंने उनके लिए पीछे 36 करोड़ कर्मकांडी ब्राह्मणों को मैंने नियुक्त करके रखा। जब कोई साधु बन जाएगा उसको पीछे जितने काम है सब तुम लोग करें, 36 करोड़। लेकिन हम मूर्ख है, कहते नहीं हमको घर जानी चाहिए, पिता माता की सेवा करनी चाहिए। बोले जो लोग रह रहे हैं संसार में ना, हम सारा दुनिया को देखते हैं, कब तक पिता माता की सेवा करते हैं, जब तक घर में बीवी नहीं आ जाती है। घर में बीवी आ जाए ना, एक रात में ऐसे मंत्र देता है पिता माता को अलग, पिता माता को अलग कर देते हैं, सारे संपत्ति छीन लेते हैं। हम देखा तो सारी संपत्ति छीन लेते हैं लास्ट में, हैं सारे संपत्ति, बड़ी सेवा करते सारी सेवा। इसलिए लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भजन करता है वो असली रूप में पिता माता की वही सेवा की। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण गुरु जी कहते थे जब वंश में एक बेटा प्रभु का भजन करता है उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। पिता माता तो अपने आप भगवत बेटा भक्ति किया तो अपने आप तो भगवत धाम में चले जाएंगे। लेकिन अगर इसी जीवन में तो पिता माता को खिलाया पिलाया तुमने, हैं पिता माता को मानो खिलाया, खूब सेवा किया, सेवा किया खूब पिता माता को, क्या पिता माता को जन्म मृत्यु से उनका मुक्ति मिलेगी? पिता माता क्या संसार से उद्धार हो पाएंगे? फिर वही 84 लाख जीवन में भटकेंगे। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करने के लिए आ जाते हैं उनका सारे पितृपुरुष सब उद्धार हो जाते हैं। त्रिसप्तभी पिता पुत्र को 21 पीढ़ी नृसिंह देव कहते उद्धार। इसलिए यहाँ पर श्री कर्दम ऋषि यहाँ पर कह रहे, बोले प्रभु मेरे मन में तो ये घर गृहस्थी की कोई इच्छा है नहीं, चूंकि आपकी इच्छा है ये सृष्टि का क्रम बढ़े, लेकिन आपकी इच्छा जान करके मैं शादी कर सकता हूँ। लेकिन कहते तो दो शर्त पर। बोले पहला शर्त है अगर आप मेरे बेटे बनकर के आओगे तो मैं शादी कर सकता हूँ, और दूसरा शर्त है तब तक ये संसार में रहूँगा जब तक मेरे संतान नहीं हो जाए, संतान होने के बाद फिर हम साधु बनकर चले जाएंगे, अगर ये आशीर्वाद दोगे स्वीकार कर लो। भगवान बोले तथास्तु। जब बोले इतने में श्री मनु महाराज जी अपना बेटी देहूती को उन्होंने स्वर्ण विमान में बैठा करके, हाँ सत्यरूपा और मनु और सत्यरूपा स्वर्ण विमान में बैठा करके ले आए, कहाँ पर? श्री कर्दम ऋषि के पास में ला करके अपना बेटी को उन्होंने दिखाया। बोले देखो हमारी बेटी सर्वगुण संपन्ना और बहुत ही सुंदर थी, हैं बहुत ही सुंदर थी। उन्होंने अपना सुंदरी बेटी को दिखा करके, आप कृपा करके अब मेरी बेटी को आप स्वीकार करो, उन्होंने बोल करके उन्होंने अपना बेटी को उन्होंने स्वीकार किया। उनको साथ में शादी हो गई। जब शादी हो गई, शादी के बाद में फिर करती है कर्दम ऋषि, शादी के बाद में ऐसे नहीं फिर भोग में प्रमत हो गए, नहीं फिर उन्होंने भजन में बैठी गई। भजन में बैठी गई तो माता जो देहूती थी उन्होंने अपना काय मन वाक्य से उन्होंने अपना पति व्रता धर्म को जाजने करते हुए उन्होंने पति की खूब उन्होंने सेवा की। पति की जब सेवा की, जब उसको बाद में पति की सेवा करते 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 जब ऋषि की नेत्र खुली ना, भूल गए थे हमने कभी शादी किया है। देखा सामने एक बुढ़िया बैठी हुई, क्योंकि पति भोजन नहीं कर रहे, पति स्नान नहीं कर रहे, पत्नी क्या कर रहे, पत्नी भी भोजन नहीं कर रही है, पति पत्नी भी स्नान नहीं कर रहे, सारे केस एकदम जटा हो गई और एकदम वृद्धा हो गई। और कहते पति व्रता धर्म को जब याजन की, जब नेत्र खुली, बोले तुमको क्या चाहिए? बोले आपने शादी क्यों किया था? बोले ना भगवान अगर बेटे बन करके आएंगे तभी शादी करेंगे, इसलिए वो अब तो शादी इसलिए किया था घर गृहस्थी के लिए। तब उन्होंने बोले एक काम करो, जाओ तुम ये बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। जब उन्होंने बिंदु सरोवर में स्नान की, फिर उन्हें अपना जोग विभूति को उन्होंने दिखाया, उनका जो जोग विभूति दिखाए। जब उन्हें प्रकट हुई, पहले जितने सुंदरी थी उससे भी ज़्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई, और उनको साथ में हजार हजार दासियाँ प्रकट हुई, और उनको बड़े सुंदर केश पर संस्कार की, बड़े सुंदर उन्होंने श्रृंगार की, फिर उन्होंने एक सुंदर विमान प्रकट की जिसका नाम था कामक विमान।
कामक मतलब जैसे चाहोगे वैसे उड़ेगा, उसमें पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत नहीं। और वहां पर वर्णना किया है वो इतने कितने कितने योजन तक बड़ी थी, जिसमें स्विमिंग पूल नहीं, जिसमें सुंदर सरोवर है, जिसमें चार तरह का कमल फूल खिले हुए, सुंदर राजहंस क्रीड़ा कर रहे हैं, बड़े सुंदर पेड़ पौधा, और वहाँ पर कोई बैठेगा बूढ़ा बूढ़ी कोई नहीं होगा, एक साथ साथ में सारे ऋतु अभी ऐसे निकल सकता है। पहले साइंस इससे भी बहुत एडवांस था, पहले साइंस थी, इसलिए उनको ऊपर में उन्होंने बड़े सुंदर रमण किया, उन्होंने बिहार किया, और बड़े सुंदर सुंदर नाट उन्होंने सुंदर सुंदर उनकी बेटी जन्म हुई, और बाद में भगवान श्री कपिल देव भगवान जन्म लेते हैं। बोले श्री भगवान कपिल देव की।